गुजरात चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। गुजरात में बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। इन चुनाव में वैसे तो कई हाई प्रोफाइल उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन सारी निगाहें जामनगर उत्तर पर थी। यहां से क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा बीजेपी की उम्मीदवार थी। जामनगर नॉर्थ सीट से लड़ाई भी काफी दिलचस्प थी, क्योंकि इस सीट पर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा पहली बार चुनाव लड़ रही थी। मगर ये सीट इसलिए भी दिलचस्प थी क्योंकि यहाँ एक तरफ जडेजा की पत्नी चुनाव लड़ रही थी तो वहीं दूसरी ओर उनकी बहन कांग्रेस के लिए प्रचार कर रही थी। रिवाबा जडेजा के पक्ष में 56% से ज्यादा मत पड़े, उन्हें कुल 84,336 वोट मिले। उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के कर्शन भाई से था, जिन्होंने 33,880 वोट पाया। इस सीट पर तीसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी विपेंद्र सिंह जडेजा रहे, जिन्हें 22,822 वोट मिले। इस जीत के बाद रिवाबा और भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने रोड शो भी किया। जामनगर की जनता को इस प्यार और दुलार के लिए धन्यवाद किया। मीडिया से बात करते हुए रिवाबा ने कहा, गुजरात की जनता भाजपा के साथ थी और हमेशा आगे भी रहेगी। पहली बार विधायक बनी रिवाबा ने जीत के बाद कहा कि जिन्होंने मुझे खुशी से उम्मीदवार के तौर पे स्वीकार किया, मेरे लिए काम किया और जनता तक पहुंचे, मैं उनका बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये केवल मेरी जीत नहीं, आप सभी की जीत है। वह पहले ही प्रयास में विधायक बनी है। 6 दिसंबर को रविंद्र जडेजा ने अपना 34वां जन्मदिन मनाया था और 2 दिन बाद उनकी पत्नी रिवाबा ने उन्हें जीत का तोहफा भी दिया। इंजरी के कारण टीम से बाहर चल रहे रविंद्र जडेजा ने इस दौरान अपनी पत्नी का चुनाव प्रचार के दौरान बढ़ चढ़ कर साथ दिया था। अब पत्नी के विधानसभा पहुंचने के बाद जल्द से जल्द रविंद्र जडेजा भी अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर सकते हैं। पत्नी रिवाबा का पर्चा दाखिल करने वक्त पत्रकारों से बात करते हुए खुद रविंद्र जडेजा ने पॉलिटिक्स में आने का इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि मुझमें अभी भी 4 से 5 साल की क्रिकेट बाकी है, इसके बाद मैं भी राजनीति में एंट्री करूंगा। रिवाबा का यह चुनाव इसलिए भी चर्चा में आया क्योंकि उन्हें परिवार में ही विरोध का सामना करना पड़ा। पति रविंद्र जडेजा जरूर साथ थे, लेकिन ननद नैना खुद इसी सीट से कांग्रेस के टिकट चाह रही थी। ससुर और ननद दोनों उनके खिलाफ प्रचार कर रहे थे। इसी के साथ जामनगर नॉर्थ की सीट से चुनाव जीतकर अपनी पहली ही प्रयास में विधायक बनी रिवाबा जडेजा को लेकर उनके पति और टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने उनकी इस जीत पर सोशल मीडिया पर रिवाबा के साथ एक तस्वीर शेयर की। कैप्शन में लिखा है, हेलो विधायक जी, आप इसके सच्चे हकदार हैं। जामनगर की जनता जीत गई है। मैं सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। आशा है कि जामनगर के कार्य बहुत अच्छे होंगे। जय माता जी।